हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा टॉपिक जिसे जेंट्स प्रॉब्लम कह सकते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जेंट्स हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम भी है, उसको फेस भी कर रहे हैं और उस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो और इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है धात। तो ये क्या प्रॉब्लम है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जब एक लिक्विड बॉडी से पेशाब के रास्ते निकलना शुरू होता है, वो टॉयलेट में मिक्स होकर भी आता है, वो बिना टॉयलेट के भी आता है और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारी मर्ज़ी नहीं है। तो हमारे बॉडी के कंट्रोल से बाहर जब ये प्रोसेस हो जाता है तब ये प्रॉब्लम का रूप लेता है। उससे पहले ये हमारे कंट्रोल में ही होता है, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं थी वो हमारे कंट्रोल में था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो हमने कोई वीडियो, कोई लड़की की कोई वीडियो देखी, हमने कोई पॉर्न क्लिप देखी या कोई फ़ोटो देखा, तो मेल सेक्स हार्मोन, जिन्हें जो मेल हार्मोन्स होते हैं जेंट्स के, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बॉडी को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस बॉडी को सेक्स करना है, उसके लिए रेडी होना ज़रूरी है। तो जब ये मैसेज ब्रेन से बॉडी की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स की वजह से, तो बॉडी एक लिक्विड सीक्रेट करना शुरू कर देती है और ये एक ल्यूब्रिकेंट होता है, चिकनाई की तरह से एक होता है लिक्विड जो बॉडी बनाना शुरू कर देती है और जब सेक्स करते हैं तब वो यूज़ में आता है। उसके बाद जब फाइनल लास्ट स्टेज होती है, जिस वक्त इजैक्युलेशन होता है, जब निकलता है, तो वो होता है वीर्य, जो वाइट कलर का होता है, वो सीमेन होता है आपका। तो ये दोनों अलग अलग लिक्विड होते हैं, एक होता है सीमेन जो कि वीर्य होता है और उससे पहले जो लिक्विड होता है जो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन के लिए, चिकनाई के लिए होता है, वो बॉडी शुरू में बनाती है। तो अब प्रॉब्लम तब आती है जब कोई फीमेल पार्टनर नहीं है और आपने कोई वीडियो या कोई फ़ोटो देख लिया, अब आप मास्टरबेट करते हो, हस्तमैथुन करते हो, जिससे बॉडी ये लिक्विड बनाती है और उसके बाद में आपका वीर्य निकल जाता है। अब ये बन गई आपकी आदत, आप हफ्ते में 3 बार 4 बार 5 बार ये करने लगे तो बॉडी बार बार वो लिक्विड बनाना शुरू कर देती है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई इस तरह की बात आती है या कोई वीडियो या क्लिप आप देख लेते हैं या सिर्फ सोच भी लेते हैं उसके बारे में, तो क्योंकि वो जो आपने देखा है वो ब्रेन में फीड हो गया है, आपने बहुत इंटरेस्ट लेके देखा, वो ब्रेन में फीड हो गया, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, आप कभी भी उसके बारे में सोचेंगे आपको वो चीज़ साफ नज़र आने लगेगी और बॉडी अपना वही फंक्शन फिर शुरू कर देगी, वो बनाना शुरू कर देगी उसी लिक्विड को। तो कुछ टाइम बाद जो बॉडी की होल्ड करने की ताकत होती है उस लिक्विड को बनने के बाद, जब वो बॉडी होल्ड करके रखती है, वो ताकत कम होती चली जाती है, कमज़ोरी शुरू हो गई, आपकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो गया, थकान शुरू हो गई। ये थकान सिर्फ लिक्विड के निकलने की वजह से नहीं है, ये थकान की रीज़न 2-3 और भी हैं, क्योंकि अब इस लिक्विड की वजह से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे। पहला ऑर्गन आपका है किडनी। किडनी बॉडी का फिल्टर है, वो ब्लड को का प्यूरीफायर है, ब्लड को प्यूरीफाई करके पेशाब अलग करती है, जो भी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है जिन चीज़ों की, उनको अलग कर देती है और जो ब्लड है प्योर फॉर्म में उसको बॉडी के लिए प्योरीफाई कर देती है। अब क्योंकि ये चीज़ भी मिक्स हो गई है तो अब फिर किडनी पे काम बढ़ गया है, वो भी इस लिक्विड को भी अलग कर रही है और टॉयलेट के अंदर जब आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके टॉयलेट के साथ आपको देख रहे हैं कि ये लिक्विड भी आ रहा है, आप सैंपल में देख सकते हैं तो पता दिख रहा है उसमें कि एक एक कतरा आना शुरू हो गया है। तो अब ये प्रॉब्लम का रूप ले चुका है क्योंकि अब ये आपके बॉडी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है लिक्विड। अब इससे छुटकारा कैसे पाएं, अब आपका किडनी भी इम्पैक्ट में आ चुकी है और लीवर पे भी असर शुरू हो जाता है इसका। तो आपको खाना, कभी आप 2 रोटी खा रहे हैं, कभी 1 खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी 5 खा रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हो गया। प्लस अब क्योंकि थकान है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कॉन्फिडेंस के ऊपर भी आता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सफ़र करती है, सिर्फ बॉडी नहीं आप मेंटली भी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। अब आप
ये भी सोचेंगे कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, ये कॉन्फिडेंस क्योंकि अब आपका कम हो रहा है, आप लोगों से मिलते हुए कतराएंगे, प्रॉब्लम तो आप वैसे भी हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो अब ये प्रॉब्लम बड़ा रूप ले चुकी है। अब इसको ठीक कैसे करें, इसका क्या रीज़न है? पहले रीज़न जो हमने डिस्कस करा था, मास्टरबेशन, जो कि हस्त मैथुन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब उस पर भी हमारा कंट्रोल उतना नहीं है, हम कोशिश तो करते हैं कि ना करें, लेकिन क्योंकि हॉर्मोन्स अपना काम कर रहे हैं, डाइट अपनी अच्छी रख रहे हैं ताकि उसका बॉडी के ऊपर असर कम हो, जो चीज़ें बॉडी से गई हैं अब बॉडी उनको दोबारा बनाना शुरू करेगी, तो रॉ मटेरियल चाहिए बॉडी को। रॉ मटेरियल क्या है? जो हमारी डाइट है। अगर हम डाइट अच्छी नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें अच्छी तरह से बनेंगी नहीं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर वही प्रॉब्लम है कि वो होल्ड करना कि जो उनकी ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है, मसाना मैदा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, और डाइट के अंदर हम क्या क्या लेना है, डाइट में सबसे पहली चीज़ जो मौसम के फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये नेचर ने बनाए हैं इंसान के लिए। हम बर्गर पिज़्ज़ा तो खा लेते हैं लेकिन क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं हम उनको अवॉइड कर जाते हैं कि फिर खा लेंगे, इसमें वो टेस्ट नहीं है या हर बार एक ही टेस्ट होता है, तो फ्रूट्स में तो हर बार एक ही टेस्ट रहेगा, वो तो नेचर ने बनाया। हम अलग अलग फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं, हम मीठा भी फ्रूट आता है, खट्टा भी होता है, तो सब तरह के फ्रूट्स हैं, हमें नेचर से जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, ये जो भी चीज़ें नेचर हमें दे रही है, हमें उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रूट्स का अपना इनटेक बढ़ाएं डाइट के अंदर, आँख खुलते ही चाय पी ली या कुछ खाया ही नहीं, 3-4 घंटे भूखे बैठे हैं, तो वो ठीक नहीं है बॉडी के लिए, फिर वही कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ ये हो गई फ्रूट्स, दूसरी चीज़ हो गई वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल्स जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनकी डाइट बढ़ा दें, उनके अंदर इतनी चीज़ें हैं जिन पे अभी साइंस रिसर्च कर रही है और उनको और हज़ारों साल लग जाएंगे ये पता करने में कि इनमें कौन कौन सी और अच्छी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, ये नेचर हमें गिफ्ट में देता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो जो भी जो वेजिटेबल्स हैं ये सारी ताकत लेती हैं ज़मीन से, और मिनरल्स ज़मीन में ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि मिनरल वाटर पीने से मिनरल मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है, मिनरल्स होते ही मिट्टी के अंदर हैं, जो ज़मीन के अंदर पत्थर हैं या मिट्टी है उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो सब इसके अंदर जो अब पौधे हैं या पेड़ हैं वो सब उसको चूसते हैं, और वो उनके फलों के अंदर या जो उनके प्रोडक्ट हैं उसमें आता है, और ये छोटे पौधे हैं जैसे बेलें हैं, बेल के ऊपर आते हैं, आपके लौकी आती है या करेला है तो तोरी है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब ज़मीन से अपने लिए डाइट लेते हैं पौधे, और वो सब इकट्ठा करके आपको एक वेजिटेबल की के रूप में मिल जाता है, तो वेजिटेबल्स बढ़ा दें। नॉन वेज अवॉइड करें, वेजिटेबल्स लें, मसाले कम कर दें, मिर्च कम कर दें, नमक भी टेस्ट के हिसाब से रखें, तो इसको आप फॉलो करें कम से कम एक महीने फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पर जब आप आएंगे आपको असर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा 110%, क्योंकि अब आपकी डाइट चेंज हो गई है, अब नेचर खुद आपको ठीक करने लगा है, आप नेचर की दवाई ले रहे हैं जो नेचर ने आपको दी है, और वो दवाइयाँ अब आपको ठीक करना शुरू कर रही हैं, तो ये चीज़ है। इसके बाद में आते हैं हमारा जो डेली रूटीन है उसे ठीक करना है। टाइम से आप सोएं, सुबह को टाइम से आपकी आँख खुलेगी, बॉडी अपना नॉर्मल रूटीन नॉर्मल फंक्शन करेगी, ब्रेन के ऊपर बॉडी के ऊपर असर कम होगा और ये प्रॉब्लम अपने आप कम होती चली जाएगी। अभी मैंने दवाई की बात नहीं करी, अभी सिर्फ नेचर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है एक्सरसाइज, सुबह को उठे आप, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बनाएं जाकर रोज़, आप जहाँ पर भी हैं कमरे से बाहर निकलें और स्ट्रेचिंग शुरू कर दें, हाथ दोनों उठाएं, पैर छुएं, थोड़ी और एक्सरसाइज करें, हल्की सी वॉक ले लें, हल्की सी रनिंग कर लें, तो उससे बॉडी अपने आप ही रिवाइवल बॉडी का शुरू हो जाता है, जो भी बॉडी का लॉस हुआ है बॉडी अपने आप उन चीज़ों को का फंक्शन करना सही से शुरू कर देती है। अब हमारी डाइट भी हमने ठीक कर ली, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अगर रूटीन ठीक नहीं रखेंगे तो वो रॉ मटेरियल पूरा बेकार है, जब तक मशीनरी सही से काम करना शुरू नहीं करती तब तक फैक्ट्री में कुछ नहीं बनेगा। आप कितना भी रॉ मटेरियल कच्चा माल रख लें, अगर फैक्ट्री टाइम सही से मशीनें नहीं चला रही है तो कुछ बन के प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलने वाला। तो अब हमने अपनी बॉडी को भी नेचर के हिसाब से सेट कर लिया है, तो हम सो टाइम से रहे हैं, जाग टाइम से रहे हैं नेचर के हिसाब से, खाना भी हम नेचुरल खा रहे हैं, हमने अपने मिनरल्स का मल्टीविटामिन वो सब भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं, बॉडी अपने आप थोड़ा ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में आता है
कि अब हम दवाई के तौर पे क्या लें, जो कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मैंने अब तक डिस्कस नहीं करा, तो दवाई में हम क्या लें? अब ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक बताई, मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें ये तो आपको रखना ही है, ये तो बेसिक है। इसके बाद में आती हैं दवाइयाँ, अब हम साथ में क्या ले सकते हैं? एलोपैथिक दवाई मुझे नहीं पता, डॉक्टर से जाएँ आप, डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बताएगा आपको अगर उस लेवल की बीमारी है। लेकिन उससे पहले बहुत से घर के अंदर भी घरेलू ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉर्मल यूज़ करें उससे भी ठीक हो जाते हैं, जैसे जायफल है, जावित्री है, लौंग है, मोचरस है, खसखस है, या छोटी इलायची है, और आप कुछ चीज़ें हैं जो आप मंगा सकते हैं या फिर आप ख़रीद के ला सकते हैं, जैसे कि शिलाजीत है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेल या जेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे मैं डिस्कस करूं, जायफल है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो जब नींद अच्छी है तो बॉडी ऐसा होता है, बॉडी जैसे चार्जिंग का फ़ोन लगा हुआ है आपका, तो बॉडी आपकी पूरी रात चार्ज होती है, जो भी आपकी बॉडी में, बॉडी आराम, हर पार्ट रेस्ट करता है। और नींद अच्छी होगी तो बॉडी फ्रेश होगी जिस वक्त आप सो के उठेंगे। इसके बाद में जैसे मोचरस मैंने बताया आपको, तो ये होता है आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए, जो कि लिक्विड को होल्ड करते हैं, जैसे मसाना है उसकी ताकत बढ़ती है, अब उसके उसमें ताकत आनी शुरू होती है ताकि वो लिक्विड को होल्ड कर सके और बॉडी से आपकी मर्जी के बिना वो बनना ना शुरू हो, बाहर निकलना ना शुरू हो, वो रुक जाए, वो जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है। तो दांत में बहुत अच्छी एक ये हर्बल एक हर्ब है, एक मेडिसिन है मोचरस, जो बहुत काम की चीज़ है। छोटी इलायची है, वो दांत रोकती है। शिलाजीत ताकत देती है बॉडी को, जो भी आपकी बॉडी से मिनरल्स लॉस हुए हैं, जो कमी हो गई है, उनको वापस बॉडी में रिकवर करती है और आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप में ताकत आएगी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक ओवरऑल पैकेज की तरह काम करेंगी। शर्त ये है कि आप ये वीडियो देख तो रहे हैं, इस बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको वाकई में करना चाहते हैं? तो डेडिकेशन, कमिटमेंट पहले आप डिसाइड कर लें, आज करना है, कल करना है, परसों करना है, जब भी आप को लगे कि मैं कर सकता हूँ। और उस दिन से आप एक महीने का टाइम लें या एक हफ्ते का टाइम लें, एक डेडलाइन बना लें कि मैं एक हफ्ता इस डाइट पर रहूँगा, इस टाइम सोऊंगा, इस टाइम उठूंगा, एक हफ्ते बाद चाहे मैं वापस अपने उसी रूटीन पे आ जाऊँ। इससे आपका ब्रेन आपकी बॉडी को परेशान भी नहीं करेगा कि यार ये नई चीज़ क्या कर रहा है तू, और हमें तो आदत उसी तरह से है, हमें तो वही सब करना ठीक लगता है क्योंकि कम्फर्ट जोन बन चुका है। तो जब आप नया एक शेड्यूल देंगे बॉडी को, तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा फॉलो करना। तो इसलिए टाइम कम दें, एक हफ्ते का टाइम दें, उसको इसको फॉलो करें एक हफ्ता, और एक हफ्ते बाद अपनी सारी चीज़ें दोबारा चेक करें कि क्या अब वो वीकनेस है, क्या अब आपको थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है, क्या आपका वेट बराबर हुआ है, चाहे वेट कम था बढ़ा है, अगर बढ़ा हुआ वेट था तो कम हो जाएगा आप जब इस डाइट को फॉलो करेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, मेरी रिसर्च जो कहती है, जो मैंने दवाइयाँ या जो मैंने हर्ब्स आपको बताए हैं जो उनके अंदर मौजूद हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑनलाइन दवाइयों में एलोपैथिक भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और यूनानी भी हैं। मेरी रिसर्च के हिसाब से एलोपैथिक तो सबसे लास्ट हो गया, वो तो फिर केमिकल्स से ट्रीटमेंट आपका हो रहा है और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक गोली के सपोर्ट में आपको दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरी दे रहे हैं, और इन तीनों की वजह से फिर आपको गैस हो रही है तो वो गैस की अलग मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये पूरा लंबा प्रोसीजर होता है जो कि बहुत ही लास्ट की बात है। उससे पहले हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास यूनानी मेडिसिन हैं, और इन दोनों का ब्लेंड मुझे सबसे सही लगता है। तो कोई ऐसी दवाई जिसमें इन दोनों का ब्लेंड हो, इन दोनों का मिक्सचर हो, वो सबसे बेहतर है। जिनमें से एक मुझे ऑनलाइन मैंने अमेज़ॉन पे देखी, जो जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं जो इस प्रॉब्लम को, दांत को ठीक करने के लिए यूज़फुल हैं। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका नाम है सफ़ूफ मुकव्वी और ये हर्बल मेडिसिन है। और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, इसमें जायफल भी है, जावित्री भी है, वेरी गुड, इसमें लौंग है, अकरकरा है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हर्ब्स हैं ये सारे। मोचरस है जिसको मैंने पहले डिस्कस करा है, खसखस है, सुपारी है, वेरी गुड फॉर मेन, छोटी इलायची है, तबशीर है,
और शिलाजीत है, तो बेहतर ये होता है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना इलाज शुरू करें और उसके बाद जब आपको फ़ायदा दिखे तब आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएं। तो एलोपैथिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपने खाई एक गोली या पाउडर खाया और जादू हो गया। इसमें लगभग 2 हफ्ते आप मान के चलें जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। पहले हफ्ते आपको रिजल्ट दिख जाएगा क्योंकि आपने डाइट भी चेंज कर ली अपनी, आपने डॉक्टर को पैसे बांटने से अच्छा आपने उन पैसों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लिया और उससे आप थोड़े से फल लिया है, थोड़े से आप वेजिटेबल्स लिया है, सब्जियां लिया है और आपने वो लेना शुरू कर दिया है, तो एक हफ्ते में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। दूसरे हफ्ते में आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी, 2 हफ्ते के अंदर आपको लगेगा कि हाँ मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ। तो डाइट अपनी हमेशा ठीक रखें, एक्सरसाइज रखें, डेली रूटीन अपना ठीक रखें तो आप परफेक्ट रहेंगे। कभी आपको लगता है ये शिकायत फिर शुरू हुई है या अभी और मुझे इसको ठीक करना है, तो आप इस दवाई को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं, जब घर पे आएगा तब आप पेमेंट कर दें, तो ऐसा नहीं है पहले ही पेमेंट करेंगे, पहले पेमेंट करते हैं तो थोड़ा बेटर होता है, वो फिर तो 100% पहुँचा देते हैं क्योंकि फिर इनको ना तो आपसे पैसे कलेक्ट करने ना कहीं डिपॉजिट करने, तो ये सीधा डिलीवरी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप अमेज़ॉन से ये दवाई मंगा सकते हैं और रिज़ल्ट अच्छे हैं, और कमेंट्स में भी आप पोस्ट करना कि ये दवाई कैसी रही, आपको कैसे रिजल्ट्स हैं, और भी कोई आपको इशू है तो आप थोड़ा लिखें, मेरा काम है उस पर रिसर्च करना। तो सिर्फ ऑनलाइन रिसर्च नहीं, मैं जनरल्स को और किताबों को और जो प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको रेफ़र करके ही आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ और आगे भी लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, गुड बाय।